लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी के युवा नेता सुनील सुतार ने आज नेहरू स्टेशन परिसर समेत कई इलाकों में फ्री मास्क का वितरण किया और नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ ऑटो चालकों और तमाम जरूरतमंद नागरिकों को मास्क बांटे गए। सुनील सुतार ने कहा कि लंबे लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, उन्हें कोरोना से बचाने के लिए ट्रस्ट खाद्यान्न और दूसरी मदद बांटने में जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। इसके लिए जागरूकता फैलाते हुए आज बीजेपी युवा नेता सुनील सुतार ने नेहरू सेक्टर 4 और रेलवे स्टेशन परिसर में फ्री मास्क का वितरण किया। स्वर्गीय कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहां ऑटो चालकों और तमाम मजदूरों को भी मुफ्त मास्क बांटे गए और कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित किया। युवा नेता सुनील सुतार ने कहा कि लंबे लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, उन्हें कोरोना से बचाने के लिए ट्रस्ट खाद्यान्न और दूसरी मदद बांटने के काम में जुटा है। मास्क वितरण उन्हें राहत देने का एक छोटा सा प्रयास है। आज नेरुल विभाग में सेक्टर 4 वार्ड नंबर 84 अंतर्गत सोसाइटी हो या फिर हमारे रिक्शा चालक बांधव हो, सारों को आज N95 मास्क का वितरण किया गया। इसके कारण एक ही उद्देश्य है, जो कोरोना ने 2 साल से सबका जीवन झंझोड़ दिया है, पे उपस्थित हमारे बंधु रिक्शा चालक से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ की समस्या है वो मुझे कांटेक्ट करें। 4 तारीख को हम एक विशेष मुहिम यहाँ पे रखना चाह रहे, जहाँ पे ऑटो वालों बंदों को हम CNG का यहाँ पे वितरण करने वाले हैं। स्वर्गीय कृष्णा सुतार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे जनसेवी उपक्रमों को मदद का एक जरिया बताया और जरूरतमंद लोगों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। लोक नेते गणेश जी नायक साहब के माध्यम से आज देख रहे हैं कि आज हमारा हर कार्यकर्ता हो, नगर सेवक हो, सारे लोग अपने अपने वार्ड में अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। हम भी पिछले 2 साल से चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे पिताजी स्वर्गीय कृष्णा गणपतराव सुतार उनके माध्यम से हम अनाज बांटना हो, हर तरीके की मदद जो हमसे हो सके हम कर रहे और आगे करते रहेंगे और जल्द ही कोरोना खत्म हो, यही गुजारिश भगवान से करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 India।